हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ यू ऑल? गुड इवनिंग सर। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। यस सर। ओके, चलें स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए बच्चों। हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरी वन। आई एम यस ऑडिबल। सर। चलिए आइए। सो है ना, वी आर डिस्कसिंग है ना आउट ब्रीडिंग। ओके, सो इन ब्रीडिंग वी ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना आउट ब्रीडिंग, दैट इज आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए? तो आउट क्रॉसिंग की हम लोग बात करेंगे। आइए देखें क्या होता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग, ओके, सो व्हाट इज द आउट क्रॉसिंग? इट्स अ क्रॉसिंग बिटवीन द सेम ब्रीड, बट उनकी जो एंसेस्ट्री है उसमें गैप होना चाहिए। कितना? 4 to 6 जनरेशन तक का। नहीं समझे? जैसे आपने कहा इन ब्रीडिंग में, हम लोगों ने देखा, तो इन ब्रीडिंग में क्या है, सेम ब्रीड लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए किसमें, जनरेशन में। आई बात समझ में? लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए बीच में, दोनों साइड, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से। नहीं समझे मेरी बात? तो ब्रीडिंग बिटवीन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री फॉर अप टू 4 to 6 जनरेशन। नहीं समझे? समझ गया सर। ना, तो उनमें गैप होना चाहिए दोनों में। सो क्या है ये, आपको मालूम है कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं? टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझे मेरी बात? लिखें तो इट इज मैटिंग मैटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, ओके, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, नो कॉमन कॉमन एंसेस्टर एंसेस्टर्स नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन ईदर साइड। है ना, ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री फॉर अप टू 4 to 6 जनरेशन। ओके, सो इट इज अ मैटिंग बिटवीन सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री फॉर अप टू 4 to 6 जनरेशन। अ सिंगल आउटक्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सिंगल आउट क्रॉस कैन ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। यू डन? हेलो बेटा। नो सर, अभी कर रहा हूँ।
हो गया सर। ओके आइए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सेकेंड है आउट क्रॉसिंग, उसके बाद में इसी में आएगा क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। नेक्स्ट बी इज क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होगा ना, यहां पे क्या होगा, द ब्रीडिंग बिटवीन द मेटिंग बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स। डिफरेंट ब्रीड्स। ओके डिफरेंट ब्रीड्स। अब जाहिर सी बात है कि दोनों ब्रीड जो कि अच्छे जो बेस्ट होंगे, आई बात समझ में, सुपीरियर होंगे, है ना, इलीट, दोनों दोनों ही ब्रीड के जो सुपीरियर जो होंगे उनको हम क्या कराएंगे, एक साथ लेके आएंगे कि एक एक ब्रीड है उसकी ये अच्छी क्वालिटी है, एक दूसरे ब्रीड की अच्छी क्वालिटी, तो दोनों ब्रीड की बेस्ट क्वालिटी हमें किसमें चाहिए, एक ब्रीड के अंदर, तब हम इस तरह का क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। आई बात समझ में, कि दोनों ब्रीड की सुपीरियर क्वालिटी जो है वो हमें कहां मिल जाए ना, वन ब्रीड। ओके हेलो बच्चों, क्या आप सुन पा रहे यस हैं? सर। और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्रीड डेवलप की गई है हिजार्डेल, हिजार्डेल है ना, कहां पे डेवलप की गई है, शीप की है ना, द ब्रीड ऑफ शीप, शीप कहां पे डेवलप की गई है, पंजाब में। पीएमटी में क्वेश्चन आता है इस पे हर बार, पंजाब में, सर 2020 में भी इसी पर आया था क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत क्वेश्चन आता है इस पर, है ना, एक मैं तो जब से देख रहा हूं एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है इस पर। तो ब्रीडिंग ही है एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ने के लायक जो एग्जाम में आता है, तो ब्रीडिंग ऑफ शीप है ना, ए शीप की ब्रीड है, डेवलप की गई है पंजाब में, किससे मालूम है, किसकी क्रॉसिंग से, बीकानेरी, बीकानेरी प्लस समथिंग। बीकानेरी की फीमेल है ना, एंड मरीनो रैम्स, समझे, रैम मीन्स मेल शीप। ओके बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम के क्रॉस ब्रीडिंग से डेवलप की गई है हिजार्डेल पंजाब में, क्लियर। तो इट्स अ न्यू ब्रीड ऑफ द शीप, हिजार्डेल इज अ ब्रीड ऑफ, न्यू ब्रीड ऑफ द शीप इज डेवलप्ड इन पंजाब बाय बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम, क्लियर और नॉट। क्लियर सर। क्लियर सर। ओके चलिए आइए आगे। तो ये तो ही नेचुरल ब्रीडिंग है ना, अब हम बात, हाँ एक और चीज बची अभी इसके अंदर, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके व्हाट इज द इंटरब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ ब्रीडिंग बिटवीन द टू स्पीसीज एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। यस ओके क्लियर। बट एक बात हमेशा याद रखें कि जो स्पीसीज होंगी ना, ये रिलेटेड स्पीसीज होंगी, ऐसे किसी में भी ब्रीडिंग नहीं हो जाएगी सक्सेसफुल, है ना। तो ये जो स्पीसीज हैं, ये रिलेटेड स्पीसीज होंगी तभी उनमें ब्रीडिंग सक्सेसफुल होगी, है ना, स्पीसीज शुड बी रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो बहुत कॉमन, बहुत ही मतलब कॉमन करेक्टर के शेयर करते हैं दोनों। हाँ क्रोमोसोम्स बेटा नंबर सेम होंगे या फिर या काफी हद तक सेम होंगे कि उनमें हम लोग स्पेयरिंग हो जाए, नहीं तो कैसे बनेगा, समझे, तो पेयरिंग तो होनी चाहिए ना उनके अंदर, तो इसका मतलब है कि स्पीसीज रिसेंटली एक दूसरे से अलग हुई हैं, काफी क्लोज हैं, तभी उनके सक्सेसफुल ब्रीडिंग। आप कहोगे ह्यूमन एंड
और दूसरे डॉग के बीच में हो जाएगा तो नहीं, नहीं थोड़ा ना होगा, है ना। लेकिन ह्यूमन के बहुत क्लोज अगर कोई होता तो उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, समझे। तो ये आपने देखोगे तो एक ये आपको पता ही होगा इसके बारे में, दिस इज म्यूल, है ना। तो म्यूल किससे और बनता है आपको पता है आपको? हॉर्स प्लस डंकी। मेल डोंकी होगा यहाँ पे, है ना, एंड फीमेल हॉर्स, ओके, एंड हिनी, हिनी इज फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, ओके। सो म्यूल तो इनको आपने देखा होगा माउंटेन्स वगैरह पे यूज करते हैं, है ना, बहुत हैवी बहुत सारी चीजों को, लोगों को ऊपर ले जाने के लिए, सामान ढोने के लिए इनका यूज किया जाता है भाई, क्योंकि इसमें गधे घोड़े दोनों की क्वालिटी है, गधे की तरह मतलब वजन सहने की कैपेसिटी है, हॉर्स की तरह स्टेमिना है, तो दोनों ही क्वालिटी मिल जाती है एक के अंदर। बट ये फॉर द ब्रीड नहीं कर सकते, आपको पता है ना, ये फॉर द म्यूल और हिनी ये फॉर द ब्रीड नहीं कर सकते, इनके अपने बच्चे नहीं होंगे, समझे। हेलो बच्चो, सर, सेक्स को चेंज करने से नेम ही चेंज हो गया पूरा। मतलब समझा नहीं मैं, सेक्स को चेंज करने नाम चेंज मतलब मतलब? क्या, मेल अगर मेल डंकी लिया तो अलग स्पीसीज बनेगी, अगर फीमेल डंकी लिया तो अलग बनेगी। हाँ जी बिल्कुल, हेलो। अरे हर दूसरा बच्चा अलग हो जाता है, मैं उसका हर दूसरा बच्चा अलग हो जाता है एक पेरेंट का, तुम कहोगे एक ही माँ बाप के चार बच्चे हैं, चारों अलग कैसे हैं, हैं? हेलो, यस सर, एक ही माँ पेरेंट्स के चार बच्चे होते हैं वो अलग होते हैं नहीं होते? यस सर, वाह, चलें आगे बच्चों, चलें क्या? यस सर, यस ओके सर। okay. नाउ हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। कंट्रोल ब्रीडिंग मींस लैब लैब में उस तरीके से, है ना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग, मतलब हम उसको मशीन के थ्रू टेक्निकली हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल ब्रीडिंग के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? AI एंड MOET। और जितना AI आप पहले भी पढ़ चुके होंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ओके। एंड MOET क्या है? मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ओके। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET, ए आते हैं ना, आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। यस सर, यस सर। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है आपको मालूम ही होगा, मुझे लगता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, जो भी अच्छा मेल होता है ना, एक अच्छा बुल जो है, उसके सीमन को, भले कोई वो बाहर का हो, एक्जोटिक ब्रीड है बाहर का है, तो हम सीमन लेके आते हैं, उसको लिक्विड नाइट्रोजन पे उसको रखते हैं, आई बात समझ में, सीमन, उसके बाद में एक पाइप जैसा होता है, ब्रीडर कहते हैं उसको, ब्रीडर ऐसे कांच का होता है बिल्कुल पाइप जैसा ऐसा, है ना, उसे ब्रीडर कहते हैं, बिल्कुल पाइप जैसा, दैट इज कॉल्ड ब्रीडर, ओके। पाइप जैसा होता है तो उसमें, है ना, तो उसमें सीमन डाल के और इसे फीमेल उसी वजाइना में इंट्रोड्यूस, है ना, किया जाता है। तो आई बात समझ में, तो ब्रीडर की हेल्प से जो भी एक
इलीट बुल होता है या बेस्ट क्वालिटी का जो बुल है उसके सीमन को फीमेल के अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। आई बात समझ में? तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसकी सक्सेस भी जो है नेचुरल इंसेमिनेशन के कंपेरिजन में क्या है, ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट है ये। आई बात समझ में? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रीडर जो इलीट क्वालिटी का जो मेल होगा, इलीट जो है ना ब्रीड का जो मेल होगा, आई बात समझ में, अच्छी क्वालिटी का जो मेल होगा उसका सीमन जो है कलेक्ट करके और उसे फीमेल के अंदर क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा डीप इन द सर्विक्स। आई बात समझ में? तो सर्विक्स के आसपास में, यानी विजाइना से ही अंदर ले जाकर सर्विक्स के आसपास में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, जिससे सक्सेस रेट जो है उसकी वो क्या हो, ज्यादा हो। समझ गए? यस सर। आपने लिख लिया कि मैं लिखाऊं उसको? सर थोड़ा सा लिखा दीजिए बस। ओके, तो सीमन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी मेल और एलीट मेल इंट्रोड्यूस इन विजाइना ऑफ फीमेल विद द हेल्प ऑफ ब्रीडर। वाह बेटा, यस सर हो गया। यस सर। है ना, तो सुपीरियर क्वालिटी का जो मेल है उसका सीमन को कलेक्ट करके आई बात समझ में इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्रीडर। ब्रीडर एक पाइप जैसा होता है, कांच का पाइप जैसा होता है, आई बात समझ, उसको उसके द्वारा जो है सीमन सीमन को अंदर ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल के। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखें, एमओईटी। एमओईटी दिस इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, एन मत लिखें, सीधे एम्ब्रियो ही लिखिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो ये क्या है, अब आपने देखा होगा जनरली जो फीमेल है ना वो क्या कितने एग ले करती है, सिंगल ले, मतलब वन टाइम। आई बात समझ में? हेलो बेटा, जनरली फीमेल हेलो यस सर। यस आवाज आ रही है आपको? यस फीमेल सर। ले वन एग एट अ टाइम। ओके, तो जनरली फीमेल एक ही एग ले करती है एक समय, आई बात समझ में, कैटल्स में। बट उनको क्या दिया जाएगा, उनको हार्मोन्स इंजेक्ट किया जाते हैं। कैसे हार्मोन? एफएसएच लाइक हार्मोन, एफएसएच लाइक हार्मोन्स, है ना, इंजेक्ट किए जाते हैं उनको। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे वो जब उनको हार्मोन्स, तो वो क्या करते हैं, सुपर ओवुलेशन। नहीं समझे मेरी बात? जब उनको इंजेक्ट किए जाते हैं कैसे हार्मोन, एफएसएच लाइक हार्मोन, तो वो क्या करेंगे, सुपर ओवुलेशन लीड्स टू
सुपर ओबुलेशन। सुपर ओबुलेशन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एग निकले तो लगभग कितने एग रिलीज करेंगे, मींस दे विल रिलीज कितने, 6 to 8 एग्स एट अ टाइम। नहीं समझे, फीमेल एक ही एग देती है पर एफएसएस लाइक हार्मोन जब उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं लीड्स टू सुपर ओव्यूलेशन, मींस दे विल रिलीज 6 to, है ना, कैटल्स जो है दे विल दे कैन रिलीज 6 to 8 एग एट अ टाइम। एक समय में वो कितने एग रिलीज कर सकते हैं उसके बाद में, 6 to 8, जब उन्हें कैसे हॉर्मोन्स दिए जाएंगे, एफएसएच लाइक। हेलो, यस सर, यस सर, वो इतनी बात हुई समझ में आया, यस सर, ओके। अब क्या किया जाएगा, अब एक जो फीमेल है समझ लो एक काऊ है ना, जिसको हमने सुपर ओव्यूलेट कराया, एक काऊ है वो, ठीक है, ये वो काऊ है ठीक, और इसने रिलीज कर दिए 6 to 8 एग, है ना, 6 to 8 एग इसके यूटरस में, इसने इसकी फेलोपियन ट्यूब में रखे हुए हैं, ओके समझ गए, समझ रहा आप या नहीं समझ रहा आप। एक हमने क्या करेंगे, हम एक मेल जो है, ये मेल है ओके। सो इस मेल का हम दो तरीके से, या तो इसे सीधे इसके साथ में क्या कराया जाए, मैटिंग नेचुरल तरीके से, या तो नेचुरल मैटिंग हो, समझे, या फिर क्या किया जाए, या इसके सीमन लेकर क्या कराया जाए, एआई, नहीं समझे। हेलो, यस सर, समझ रहे हैं ना, या तो डायरेक्टली ये उसकी मैटिंग हो, है ना, जो भी सुपीरियर इलीट जो मेल है उससे उसको हम ब्रीड कराएं, मतलब मैटिंग कराएं, या फिर उसका सीमन को कलेक्ट किया जाए और देन हम एआई कराएं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। आई बात समझ में, हमने दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज किया तो जाहिर सी बात है सीमन अंदर जाएगा तो ये सारे एग्स क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, तो इसके अंदर क्या बनेंगे, एम्ब्रियो, 6 to 8 एम्ब्रियो फॉर्म होंगे, नहीं समझे। समझ अब इन एम्ब्रियो को क्या किया जाएगा, द एम्ब्रियो विल, है ना, कलेक्ट किया जाएगा, द एम्ब्रियो को कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्टेड नॉन सर्जिकली, नॉन सर्जिकली, ये बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि जो एम्ब्रियो है ना नॉन सर्जिकली, कितने स्टेज में, कितने स्टेज में, आफ्टर एट टू 16 32 सेल स्टेज, नहीं समझे, सिक्स, है ना, तो वो एम्ब्रियो जो है उनको कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्टेड नॉन सर्जिकली आफ्टर 8 to 32 सेल स्टेज, एंड देन ट्रांसफर इन सरोगेट मदर, किसमें ट्रांसफर किए जाएंगे, सरोगेट मदर में, वो सरोगेट मदर, और उसका उस काउ को हम यूज करते हैं हम लोग सरोगेट मदर में, जो काउ अच्छी ब्रीड की नहीं है, जिसको हम ब्रीडिंग में पर्पज में यूज नहीं कर रहे हैं, उससे हम बच्चे लेंगे किसके, इस काउ के, और इसके बच्चे हम किससे लेंगे, इसको थोड़ा अलग बनाओ, एक मिनट, ऐसी बना दिया है मैंने कुछ भी, है ना, समझे, तो ए इसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया क्या, सरोगेट मदर है ये, नहीं समझे।
हेलो, ये क्या देगी फादर? ए बच्चे, बच्चे यहाँ ये देगी, समझे मेरी बात? अब ए फीमेल को हमने वापस क्या कर दिया, दिस फीमेल इज फ्री फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द मल्टीपल ओव्यूलेशन, क्योंकि एक तो हमें इसी फीमेल के चाहिए। हेलो, अक्सर समझ रहा क्या हूँ। आपको समझ में आई बात? यस सर। तो सुनो एक बार जरा, मैं दोबारा से बता रहा हूं। तो एक अच्छी जो नस्ल की, अच्छी ब्रीड की जो फीमेल है, आई बात समझ में? उसको क्या कराते हैं, सुपर ओव्यूलेट कराते हैं, यानी उसमें FSH जैसे हार्मोन को इंजेक्ट करेंगे। तो वो फीमेल क्या करेगी, एक से जनरली एक अंडा देती है, लेकिन उस समय वो एक से ज्यादा एग रिलीज करेगी। आई बात समझ में? उसको हम या तो मैटिंग कराएंगे नेचुरली एक सुपीरियर मेल से, या उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे विद द सीमन ऑफ द सुपीरियर मेल। देन वो एग फर्टिलाइज होंगे तो एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो को कलेक्ट किया जाएगा नॉन सर्जिकली। नॉन सर्जिकली का मतलब सर्जरी करके या काट कर यूटरस को ऐसे नहीं किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वेजाइना में हाथ डालकर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसे निकाला जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? हेलो, यस सर, मतलब सर्जरी तो नहीं की जाएगी, काटा वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ, काटा नहीं जाएगा, नॉन सर्जिकली वेजाइना के थ्रू निकाला जाएगा उसको, सर समझ अगर रहे? सर्जरी सर्जरी कर दी तो गाय नष्ट हो जाएगी वो फीमेल। नष्ट हो ना हो, क्योंकि मजाक थोड़ा ना सर्जरी करके, दो नाकुश तो काम है उसके लिए सर्जरी करके वो गाय, तो गाय दो चार एक साल में गाय ठीक होगी, जब तक तो हो गई ब्रीडिंग, समझे मेरी बात? सर्जरी ऐसे नहीं, सर्जरी करके निकाला कि नहीं जा सकता, निकाला जा सकता, लेकिन सर्जरी करके निकालेंगे तो गाय का काम हो जाएगा। वो कोई ऐसा तो है नहीं है कि भाई ह्यूमन ह्यूमन की सर्जरी करते हैं भैया यूटेरस की, तो उनको तो बोल देते हैं भैया आप शांत लेट जाइए, वो लेट जाइए। गाय को बोलेंगे तुम लेटी रहो, तुमने अभी बच्चा दिया है, तुम्हारे सर्जरी सिजेरियन हुआ तुम्हारा, तुमने उठना नहीं है। नहीं समझे? हाँ तो गाय को, गाय भैंस को बोलेंगे क्या, बैठी हो तुम, लेटो है, तुम परेशान मत हो है? ऐसे गाय के, ऐसे तो भैंस के गाय के साथ नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो? यस। हाँ, तो नॉन सर्जिकली उनको हम कलेक्ट करेंगे का कितनी, आफ्टर 8 to 32 एज से लेके 32 साल स्टेज तक, और देन उसे ट्रांसफर करेंगे ऐसी काउ में जिन जिसकी जिसको हम ब्रीडिंग पर्पज में यूज भी नहीं कर रहे हैं, वो कोई अच्छी नस्ल की काउ नहीं है उससे। और अब इस गाय को जिसके जिसके बच्चे हैं, एग जिसे रिलीज कर रहा है, उसे हम वापस तैयार कर रहे हैं सेकेंड राउंड ऑफ द सुपर ओव्यूलेशन। नहीं समझे? हेलो समझ गए हेलो, सर, समझ क्लियर हुआ? गए सर। यस सर। हाँ, तो इसका जनरली यूज देखिए, तो ये तरीका बिल्कुल कितना जल्दी फास्ट है कि आप ऐसे आपने 4-5 काउ जो बिना किसी मतलब के नहीं, जिनकी हमें ब्रीडिंग चाहिए, मतलब जिनको हम ब्रीडिंग में यूज भी नहीं कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उनसे हम वो बच्चे ले रहे हैं जो अच्छे ब्रीड के हैं। तो इससे हम बहुत कम समय में हर्ड साइज को बढ़ा सकते हैं। हर्ड मतलब समझते हो ना, हर्ड हर्ड हेलो हर्ड यस साइज सर। जो है, हर्ड साइज समझते हो ना, हर्ड समझते हो ना, यही सब कैटल्स को मिला के बोलते हैं सबको, मतलब गायों का झुंड जो है उसे हम हर्ड कहते हैं, सब समझ रहे हो आप? यस यस सर। सर। यस सर। तो हर साइज को हम बहुत कम समय में ही क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, है ना? कैन बी इंक्रीज इन शॉर्ट टाइम। अगर नेचुरल अगर हम ब्रीडिंग कराएं तो बहुत टाइम लगेगा उतने बच्चों में, समझे मेरी बात? अब सोचो हमने एक बार में ही 6 to 8 एग ले लिए, जबकि नॉर्मली कितना मिलता है, एक मिलता है 1 एग, समझे? और अगर इसी फीमेल के कराते तो अच्छी ब्रीड की जो फीमेल है पूरे ईयर के लिए क्या हो गई, एंगेज हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे फीमेल से बच्चे ले रहे हैं, और इसको हम इससे हम ओवर कर करके मतलब इसको हम बार बार सुपर ओव्यूलेट करा रहे हैं, जिसके हमें एग चाहिए क्योंकि ये अच्छी सुपीरियर ब्रीड है। हेलो यस हेलो, सर। ओके, तो आपने लिख लिया कि मैं बोलूं? सर लिख यस लिया। सर, लिख लिया। लिख लिया ना, समझ में आया? क्लियर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, चलें फिर आगे। यस सर।
ओके, एक साइंटिस्ट हैं, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, वर्गीज कुरियन, सुना है आपने कभी? वर्गीज कुरियन। नो सर। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ही लॉन्च्ड ऑपरेशन फ्लड। है ना, ही लॉन्च्ड ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, है ना। डेयरी डेवलपमेंट को उन्होंने बहुत प्रमोट किया इसमें, समझे मेरी बात। द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ही लॉन्च्ड ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया। एंड यू नो द अमूल जो है ना, अमूल 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 इज अ ब्रांच चाइल्ड ऑफ वर्गीज कुरियन। अमूल इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ वर्गीज कुरियन। अमूल इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ वर्गीज कुरियन। ओके, अमूल इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ वर्गीज कुरियन, समझे? ब्रेन लिखा चाइल्ड क्या मतलब बेटा, ब्रेन चाइल्ड का मतलब क्या होता, बोलो। व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड, मतलब उनके दिमाग की ही मतलब उपज है ये अमूल, नहीं समझे? अरे बापू, अरे बोलो बाबा। अरे नहीं सर, नहीं। मतलब ऐसे होता ना कि तुमने ये डेवलप किया, अमूल उन्हीं ने सोचा था, अमूल। यस सर, मतलब समझ हाँ गया सर। समझे, अब तो समझ गए। यस ओके, सर। तो यहाँ पे हमने कब कंप्लीट किया, बी कीपिंग वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके, अब हम चलेंगे एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे आपसे बी कीपिंग, है ना, हनी बी, हनी बी के बारे में। तो पढ़ा कभी आपने हनी बी के बारे में? क्यों बच्चों, नहीं? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, आइए देखें, लिखेंगे अब बी कीपिंग, हेडिंग डालेंगे बी कीपिंग। एक मिनट, इसको हम और क्या कहते हैं, एपिकल्चर, है ना, एपिकल्चर। जितना जरूरत होगी उतना ही लिखाऊंगा मैं, है ना, बाकी फालतू मैं नहीं लिखाऊंगा। ओके, जितना बाकी आप एनसीआरटी में, जो एनसीआरटी का है, थोड़ी बहुत कुछ है जो नॉन टेक्निकल चीजें हैं एनसीआरटी में, है वो सब आप देख ही लेंगे, ठीक है। तो बी कीपिंग, आपको मालूम है कि हनी बी जो है, हनी बी को का डोमेस्टिकेशन, एपीकल्चर बहुत ही कॉमन जो है इंडस्ट्री है, बहुत स्मॉल स्केल पर हम ये काम कर सकते हैं, है ना। एपीकल्चर जो है, हम बहुत स्मॉल स्केल पर, लाइक अपने घर की छत पर, बरांडा में, है ना, कहीं पर भी अगर अपने पास थोड़ी बहुत भी जगह है, वहां पर हम बी कीपिंग कर सकते हैं, समझ गए। और आपको मालूम है कि एक बहुत ही मतलब इकोनॉमिक जनरेट एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये, जिसमें बहुत इजीली हम जो हम मनी जो है बना सकते हैं इसमें, आई बात समझ में। तो हमें इनकरेज करना चाहिए इस तरह से स्मॉल जो इंडस्ट्रीज हैं, आई बात समझ में, ठीक है। और अब
बात यह है कि इनके लिए हमें कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। अब कोई भी तो नहीं करने लगेगा ना इसको, हमें पहले हनीबी का नेचर पता होना चाहिए कि कहाँ रहना पसंद करती है ये, किस तरह का वहां पर उनको नेक्टर कलेक्ट करने की जगह होनी चाहिए, है ना। तो बी का हमें नेचर, उनका हैबिटेट पता होना चाहिए, कहाँ रहते हैं, है ना। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, सही लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर हमें हाइब्स को रखना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अलग अलग सीजन में आपको मालूम है कि डिफरेंट सीजन में हाइब को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से रखना है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन देना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो हनी बीज है उनसे हनी और वैक्स तो मिलता ही है, एक आध और भी प्रोडक्ट मिलते हैं साथ में, दे आर वेरी गुड पॉलिनेटर, बहुत सारे है ना पॉलिनेटर भी है, जैसे सनफ्लावर के लिए ब्रेसिका है, एप्पल है, पेयर है ना। तो बहुत सारी क्रॉप्स को ये क्या कराते हैं, पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं ये, समझे मेरी बात। तो दोनों दोनों के लिए, एक प्लांट के लिए भी अच्छा है ना, पॉलिनेशन में भी, और साथ में इस ये जो मिलता है इससे जो हनी है इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, आयुर्वेदा में है ना, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसका बहुत यूज होता है। तो कौन कौन सी हनी बीज है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखें सबसे पहले एपिस इंडिका, सो दिस इज द इंडियन हनी, इंडियन बी, इंडियन भी मॉडरेट साइज की है, मॉडरेट साइज है ना, सो दिस इज योर इंडियन, ओके, एपिस इंडिका इज अ इंडियन लिखा। दूसरा देखें एपिस डॉर्साटा, दिस इज द रॉक बी, ये क्या है रॉक बी, ये बहुत बड़ी है और जनरली इसको डोमेस्टिकेशन में प्रेफर नहीं किया जाता बिकॉज इट इज वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव है। आई वाज समझ में, सो नॉट प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिकेशन, है ना, बहुत डेंजरस, बहुत एग्रेसिव है, बहुत फ्यूरियस है ना, अगर आपने उसका हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वेरी फ्यूरियस और मतलब खतरनाक है काफी, तो इसलिए जनरली इसको प्रेफर नहीं किया जाता, हालांकि बहुत ज्यादा इससे हमें हनी मिलता है, आई बात समझ में, बट हम इसको उतना प्रेफर नहीं करते बिकॉज ये बहुत एग्रेसिव है। नेक्स्ट है एपिस मिलीफेरा, एपिस मिलीफेरा, ओके, दिस इज कॉल्ड इटालियन बी, ये क्या है इटालियन बी, है ना, सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल हाइव में इसी को डोमेस्टिकेट, है ना, मोस्टली डोमेस्टिकेटेड इन आर्टिफिशियल हाइव, है ना, आर्टिफिशियल हाइव्स में मोस्टली इसी को डोमेस्टिकेट किया जाता है, समझे, हो गया आपका ये, आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, यस सर। ओके, तो आर्टिफिशियल हाइव में इसको जनरली डोमेस्टिकेट किया जाता है ना, एपिस मेलिफेरा को, ओके। नेक्स्ट देखें फोर्थ है एपिस फ्लोरिया, दिस इज कॉल्ड लिटिल बी, है ना, तो कॉमन जो है इसको और इसको रेयर किया जाता है ना, एपिस इंडिका को नेचुरली जनरली रेयर किया जाता है, एपिस मिलीफेरा को आर्टिफिशियल हाइव में रेयर किया जाता है, तो एपिस इंडिका मिलीफेरा को हम जनरली रेयर करते हैं, एपिस फ्लोरिया बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम क्वांटिटी में इससे हमें हनी मिलता है, तो इसलिए उसको नहीं किया जाता, समझे। इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एपिकल्चर को क्या कहते हैं, रेयरिंग ऑफ बी टू ऑब्टेन हनी एंड वैक्स, ओके, हो गया। सर थोड़ा रुक जाइए।
सर हो गया। सभी का हुआ बच्चों? यस सर। आइए आप देखेंगे, आपको पता है कि हनीबी जो है इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हनीबी का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखने लायक है। है ना, हनी बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज वेल डेवलप्ड। सो आपको इनमें कितने कौन कौन से मेंबर्स मिलते हैं आपको इसके उसमें? तो कॉमनली आपको तीन तरह के मेंबर यहाँ पे मिलेंगे, देखें, क्वीन एंड ड्रोन एंड वर्कर। ओके, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। ओके, समझे? क्वीन क्या है? क्वीन जो है सी इज अ फर्टाइल फर्टाइल फीमेल। क्या ये फर्टाइल फीमेल? लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा मेंबर है ये। ओके, लार्जेस्ट इन साइज, हाइव का सबसे बड़ा मेंबर है। एंड एक हाइव में एक ही होगी जनरली, है ना, वन क्वीन पर हाइव, समझे? एक हाइव में एक ही क्वीन होगी। और ये क्या है? ड्रोन क्या है? इट इज फर्टाइल, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल है। फर्टाइल हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मेल। ये फर्टाइल हैप्लॉइड मेल है। आई बात समझ में? और 200 से लेके 300 हो सकते हैं पर हाई, ठीक है? ये क्या है? दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज और ए डिप्लॉयड इनफर्टाइल फीमेल है। ओके, इनफर्टाइल मतलब स्टराइल, क्लियर हुआ? हेलो बच्चों, यस सर। है ना, तो ये स्टराइल क्या है? फीमेल है, मतलब ये है तो फीमेल लेकिन स्टराइल है। ओके, क्लियर? इनका लाइफ स्पेन 2 to 5 years है। इनका कितना है? फिफ्टी सेवन डेज। ओके, इनका कितना है? फिफ्टी फोर टू फाइव मंथ्स। क्लियर? इनको फीड कराते हैं, दे आर फीड्स ऑन रॉयल जेली। किस पे फीड करते हैं ये? रॉयल जेली पे, है ना, बेस्ट क्वालिटी का जो होता है उस पर ये, है ना, बेस्ट क्वालिटी का जो फीड
हनी होता है उस पर ये फीड करते हैं, फीड्स ऑन रॉयल जेली क्वीन, समझ गए। स्टिंग यहां पर प्रेजेंट होगा, स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड बोथ एब्सेंट, कुछ नहीं इनके पास में, स्टिंग भी है ना, सब कुछ इनके पास, स्टिंग वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट, वो भी इनका स्टिंग कैसा है, स्टिंग इज बार्ब्ड, बार्ब्ड का मतलब स्टिंग में ऐसे ऐसे छोटे छोटे कांटे होंगे ऐसे, इससे जब खिंचता है ना तो अंदर ही रह जाता है ये, नहीं समझे। जबकि इनका स्टिंग प्लेन है, नॉर्मल है ऐसा, इनके पास मेल के पास में स्टिंग ही नहीं है, समझे क्या। यस सर। तो स्टिंग क्वीन के पास स्टिंग है लेकिन उसमें कोई स्पाइन वगैरह नहीं है, नॉर्मल है ना। और यहाँ पर स्टिंग वैक्स ग्लैंड दोनों ही है, दोनों एब्सेंट हैं ड्रोन के अंदर, और यहाँ पे भी दोनों है, और स्टिंग बहुत खतरनाक भी है, उसमें स्पाइनी है ना, तो अंदर जाएगा पर बाहर नहीं निकलेगा, समझा, क्लियर हुआ। यस सर ओके चलें फिर। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब फीमेल जो है, फीमेल को जब है ना, चलें आगे, अब आगे चलें क्या। यस सर ओके अब देखिए, अभी हम बात करेंगे वो सब है ना, मेल कैसे डेवलप होता है, पहले उसकी बात करते हैं फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नप्शल फ्लाइट, देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जितना एनसीईआरटी में है उतना आप खुद पढ़ लीजिएगा, है ना, एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप एनसीईआरटी की चीजें पढ़ लें, है ना, पढ़ लोगे ना। हेलो, यस सर पढ़ लेंगे। यस सर हाँ तो जितना एक्स्ट्रा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी एनसीईआरटी के वो सब आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें। तो नप्शल फ्लाइट क्या होती है ना, दिस इज द फ्लाइट फॉर द कॉपुलेशन, है ना, नप्सल मतलब समझते हो, नप्सल नॉट सुना कभी, नप्सल नॉट लाइक कपल, नो सर टाई टाई टाई, नप्सल नॉट ऐसे कहते हैं, नहीं कपल जो है कपल टाइड इन नप्सल, नप्सल नहीं सुना, नप्सल नॉट कभी नहीं सुना, कोई सेलिब्रिटी शादी करते हैं तो नहीं कहते हैं ना कि कपल टाइड इन नप्सल नॉट, नप्सल नॉट है। अरे चलो कोई बात नहीं, नप्सल फ्लाइट, नप्सल का मतलब होता है मैरिज, है ना, नप्सल का मतलब शादी, समझे मेरी बात। तो नप्सल फ्लाइट जो है, दिस इज फ्लाइट फॉर द है ना, फ्लाइट फॉर कॉपुलेशन, आई बात समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो क्वीन है वो क्वीन जो है अपना हाइव छोड़ देती है ना क्वीन, और ऐसे ऊपर फ्लाई करती है, समझे, पूरा ऐसे एकदम वर्टिकल फ्लाई करती है। ओके क्वीन, तो जितने भी ड्रोन्स हैं वो उसको क्या करते हैं, फॉलो, समझे, जितने भी ड्रोन्स हैं कॉलोनी के, जितने भी ड्रोन्स हैं वो उसे फॉलो करेंगे। ओके अब पता है आपको कि जो क्वीन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर है, बहुत ही ताकतवर है, बड़ी है, तो वो तो बहुत तेजी से फ्लाइट करती है, और ड्रोन्स उतने तगड़े नहीं है तो वो उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे ड्रोन्स थक हार के बीच में ही लौट आएंगे, आई बात समझ में, थक हार के ही लौट आएंगे कहां पर, हाइव में। देखते हैं है ना। को अब आपको मालूम है फ्लाई करते करते बहुत सारे तो हैं, भैया हमारे बस का नहीं है, तुमको जाना तो जाओ, हम तो नहीं जा पा रहे, हम तो चले गए, समझे, तो कुछ कहेंगे नहीं भाई हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, है ना, तो भैया ठीक है जाओ, जाएंगे तो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है जो सबसे पहले पहुंचेगा
फीमेल के पास में, है ना, वो चाहे से सबसे स्ट्रांग होगा, दैट वन कॉपुलेट विद द फीमेल, आई बात समझ में, वो फीमेल के साथ क्या करेगा, कॉपुलेट करेगा, समझ गए? ओके, और जैसे ही वो कॉपुलेट करेगा वैसे ही, जैसे ही वो कॉपुलेट करेगा, ओके, जैसे ही वो कॉपुलेट करेगा वैसे ही सीधे क्या हो जाएगा, क्या धड़ाम से नीचे गिरेगा आफ्टर कॉपुलेशन, उसकी डेथ हो जाएगी इमीडिएटली, समझे? हेलो, सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है ना, वो जब बाहर निकलता है वो उसके एब्डोमेन को काट देता है, समझे? वो अंदर की ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होता है, तो जब बाहर निकलता है तो पूरे एब्डोमेन को काट देता है, समझे? इमीडिएटली आफ्टर कॉपुलेशन मेल की क्या हो जाएगी, डेथ। तो बताओ कौन लकी है, जिसने कॉपुलेट किया है, जिसने नहीं किया, जो लौट गया, जो लौट गया जो लौट गया। चलिए आइए इसके बारे में बताते हैं। अब जो लौट गए, ये हाइप के बगल में आ गए, ओके, हाइप के बगल में खड़े हैं, तो ये जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स हैं, जैसे ही बगल में आए वर्कर्स खड़े हो गए आके यहाँ पर, तो बोला है इधर क्यों आ रहा है, बोलो क्यों, हम तो यहीं रहते हैं, बोले भग यहां से, किसी मतलब के नहीं तुम लोग, चलो यहां से, नहीं समझे? और आपको मालूम है ये जो है ना वर्क, ये जो ड्रोन्स हैं, ये सबसे मतलब कहते हैं नालायक टाइप के हैं ना, तो इनके पास स्टिंग है, अपने आप को ये प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते ना, ये हनी कलेक्ट कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बड़े बड़े पैरासाइट की तरह खा रहे थे इनके। और ये जो वर्कर्स होते हैं, ये एक भी ऐसे मेंबर को बर्दाश्त नहीं करते सोसाइटी, अपनी कॉलोनी में एक भी मेंबर को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो वेस्टेज हो, मतलब जिसका कोई काम ना हो वो खा रहा हो, खा रहा हो, ऐसे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी ड्रोन्स लौट कर आएंगे ये सब हाइव में नहीं घुस पाएंगे, समझे? ये यही तड़प तड़प के मर जाएंगे, यही तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो कौन लकी है? सर, अब तो ड्रोन्स अनलकी हो गए। नहीं ड्रोन तो हो गए, लेकिन ये तो तब भी लकी है, कम से कम इसको पापा कहने वाला तो कोई बचा, ये भले ही मर गया, अपना शान से तो मरा, अपना नाम लेके तो छोड़ा उसने, अपना वंश तो चलाया आगे। जनरेशन तो छोड़ कर गया। हाँ ये तो नालायक अपनी जनरेशन भी नहीं छोड़ पाए, और कुत्ते की तरह भगाया इनको, समझे? तो ये है नप्सल फ्लाइट। तो इस समय अब पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेट होके फीमेल कहाँ जाएगी, अपने हाइव, फीमेल आ जाएगी अपने हाइव, ओके। उसके बाद में फीमेल क्या ले करेगी, एग्स, क्या ले करेगी फीमेल, एग, समझे? फीमेल दो तरह के एग ले करेगी, डिप्लॉयड, है ना, और डिप्लॉयड मतलब ये फर्टिलाइज्ड है और ये अनफर्टिलाइज्ड है। अनफर्टिलाइज्ड एग किसमें डेवलप होंगे, अगेन ड्रॉन्स में, सर एंड दिस इज कॉल्ड अरिनो, सुना है कभी, ऐसा सुना है कभी? अरे बोलो भैया, अरिनो टोकी, व्हाट इज अरिनो टोकी, इज अ टाइप ऑफ पार्थिनो जेनेसिस, क्लियर? हेलो, आपने कभी नहीं सुना अरिनो टोकी? सुना क्या अरिनो है टोकी सर, इज अ हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, है ना? पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है वर्जिन बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। तो अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन्स बनेंगे, इसको पार्थिनोजेनेसिस को हम अरिनो टोकी कहते हैं, और डिप्लॉयड जो फर्टिल है ना, इससे क्या बनेंगे, बनेंगे फीमेल, दे कैन बी वर्कर्स, दे कैन बी क्वीन,
समझे मेरी बात? हेलो, सर। हुआ आपका? यस सर, हो गया। तो फीमेल विल है ना ले टू टाइप्स ऑफ एग, फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज एग मेल बनाएंगे, ड्रोन्स में कन्वर्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड अरिनोटोकी एंड अरिनोटोकी है ना। अरिनोटोकी ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे हम इसे। और जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी डिप्लॉइड जो होंगे, आई बात समझ में है ना, वो क्या बनाएंगे? फीमेल्स। दे कैन बी फर्टाइल, दे कैन बी इनफर्टाइल। वर्कर्स होंगे तो ये इनफर्टाइल होंगे और है ना, और नहीं तो ये क्वीन तो एक हाइव में एक ही रहती है। अब सुनिए मेरी बात, हुआ इतना। क्वीन एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, कीमेल प्रोड्यूस एंटी क्वीन, एंटी क्वीन सब्सटेंस, और फिरमोन, और एंटी क्वीन जिन, इसका काम क्या है? क्या काम करती है ये? इट प्रिवेंट द प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ अनदर क्वीन इन हाइव है ना, और कोई क्वीन के बनने को ये रोकेगा केमिकल। तो क्वीन क्या प्रोड्यूस करती है? एंटी क्वीन सब्सटेंस और एंटी क्वीन फिरमोन्स, विच प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अनदर क्वीन इन हाइव। ओके, नहीं समझे क्या? समझ में आ गया आ गया समझ में? ओके, तो सर। यस आगे चलूं क्या मैं? सर, समझ। यस सर, यस ओके चलें। तो हम बात करते हैं आपसे, अब ये हो गया, अब हम बात करेंगे। अब आपको मालूम है हनीबी, मैंने आपको बताया हनीबी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने लायक है, समझने लायक है। आई बात समझ में? आप बहुत कुछ सीख सकते हो, इतने मेहनती होते हैं ये, पूरे दिन ये मेहनत करते हैं। कोई पानी कलेक्ट करता है, कोई हनी कलेक्ट करता है, कोई कुछ करता है, पूरे मिलजुल के काम करते हैं है ना, बिना ये कहे कि तुम कर लो, हम बाद में कर लेंगे है ना, ऐसा कोई बहाना ये नहीं बनाते हैं हम लोगों की तरह। जैसे हम लोग कहते हैं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं नहीं कोई नहीं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे कहाँ अभी लगे होते, अभी तो बहुत टाइम है, आगे पढ़ लेंगे है ना। लेकिन ये ऐसा कोई अपना बहाने नहीं बनाते हैं, समझे मेरी बात? तो आइए फिर देखें क्या इनके बारे में और देखें। तो ये क्या करते हैं? डांस परफॉर्म करते हैं, इनका कम्युनिकेशन समझते हैं, लैंग्वेज ऑफ द हनी बी, कैसे आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं कि वहां पर फूड है। व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द हनी बी, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैसे कहीं कोई कोई जो है वर्कर है वो इधर उधर, उसको कहीं खाना मिल गया, पानी मिल गया, तो कैसे इन्फॉर्म करेगा वो कि भाई इधर आ जाओ, आप सभी यहां पर है। लैंग्वेज ऑफ हनी बी, सो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द हनी बी, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कैन यू आंसर मी, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर? नहीं नहीं नो करेंगे। सर। ओके आइए, तो ये डांस करते हैं, डांस करते हैं, क्या करते हैं ये, इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? डांस है ना। कार्ल वॉन फ्रिश जो एक साइंटिस्ट है, कार्ल वॉन फ्रिश, ही गॉट द नोबेल प्राइज है ना, तो उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज
इसलिए फॉर डिकोडिंग डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ हनी बी। ओके, तो हनीबी की लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए सबसे पहले इन्होंने पता लगाया कि भाई ये डांस करते हैं, और ये दो तरह का डांस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राउंड डांस। राउंड डांस सिंपल है, राउंड 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 होता है, ऐसा ऐसे से घूमते हैं ये। ये डांस कब करते हैं? जब फूड कितनी डिस्टेंस पे हो, व्हेन फूड सोर्स कितनी डिस्टेंस पर हो, दे परफॉर्म दिस डांस व्हेन फूड सोर्स क्या हो, इज इन विद इन 75 मीटर डिस्टेंस। नहीं समझे? जब फूड सोर्स 75 मीटर के डिस्टेंस में होता है तो ये कौन सा डांस करते हैं? राउंड डांस। समझे? यस सर। दूसरा डांस होता है टेल वेगिंग डांस। टेल वेगिंग डांस ये क्या है? टेल वेगिंग डांस क्या होता है? तो ये क्या होगा इस तरह का? है ना, इस तरह से करते, टेल को हिलाएंगे अपनी, है ना, टेल को हिलाते हैं ऐसे। देखो एक बार, देखो आप वीडियो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अगर आपको समझ में आ जाए तो देखना ऐसे। समझ रहे हो क्या? यस सर। यस ऐसे सर। यस ऐसे सर। टेल को हिलाएगा, ऐसे टेल को अपनी हिलाएंगे, टेल को ऐसे देखो, ऐसे एट बनाएंगे टेल को हिला के, ऐसे। समझे? यस सर। सो दिस इज द टेल वेगिंग डांस। और एक कब करेंगे? व्हेन फूड सोर्स क्या हो, ज्यादा डिस्टेंस पे हो ना। व्हेन फूड सोर्स इज मोर देन 75 मीटर डिस्टेंस, है ना। 75 मीटर डिस्टेंस से ज्यादा होता है तो ये डांस करते हैं टेल वेगिंग डांस। क्लियर? पाए बेटा, यस सर। चलें आगे चलें। सर नोट करने दीजिए। ओके,
वो चाहे तो बता दे मुझे। हो गया। हाँ ओके तो मैं चलता हूं। ओके चलें, अब हम बात करेंगे आपसे। तो ये हमने डांस की बात की, हनी बी के। ओके और ओके चलिए, अब आता है हनी बी। कुछ दो चीजें हैं, देख ले। देखो ये सब आना जाना नहीं है आपको। स्वार्मिंग लेके एब्सकॉन्डिंग। ओके स्वार्मिंग एब्सकॉन्डिंग। स्वार्मिंग कब करती है हनी बी? जब ऐसे समझ लो एक हाइव में एक से ज्यादा क्वीन हो गई, समझे? एक हाइव में एक से ज्यादा क्वीन हो गई, या हाइव बहुत बड़ा हो गया, ऐसा है तो ये अपने आपके हाइव मतलब अपने स्वार्म को बड़ा करने के लिए कुछ मेंबर जो है कॉलोनी के, है ना, हाइव के, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये मतलब प्यार से करते हैं, भैया चलो ठीक है तुम आ रहा हो, हम लोग और कहीं देखते हैं, इस टाइप का है स्वार्मिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सम मेंबर्स ऑफ द हाइव टू अनदर प्लेस। कि अब एक क्वीन, एक हाइव में एक ही क्वीन रहेगी, अगर एक क्वीन से ज्यादा डेवलप हो गई किसी कारण से, तो क्या होगा, वो क्वीन जो है वो अपने कुछ मेंबर्स को लेके हाइव छोड़ के चली जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग। समझे मेरी बात? हेलो हेलो बच्चों। यस सर, यस मतलब सर। बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा हो गया, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बंटवारा जैसा हो गया। भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख रहे हैं, इस तरीके से प्यार मोहब्बत से, ठीक है? लेकिन एब्सकॉन्डिंग जो है उसमें ऐसा नहीं है। एब्सकॉन्डिंग में पूरा हाइव एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, कि उनको मजा नहीं आया, भैया ठीक नहीं जगह है, पानी नहीं है, कोई वहां पे मतलब जो जो क्रॉप है, जिस तरह की फ्लावरिंग जो क्रॉप होती है जिनमें वो उनको नेक्टर मिलता है, तो आसपास नेक्टर नहीं है, समझे मेरी बात? तो इसलिए वो पूरा हाइव जो है अपना कि भाई ठीक नहीं है, उनको जगह पसंद नहीं आई, दूसरी जगह चले जाते हैं। दैट्स टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एब्सकॉन्डिंग, यानी इसमें पूरा हाइव मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? ओके यस सर, ओके। लिया आपने? यस सर, आगे चलूं? अब प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं यहां से? हनी, सबसे पहला प्रोडक्ट तो आपका हनी ही है ना? हनी इज नॉट द रियल प्रोडक्ट। समझे? इसका रियल प्रोडक्ट नहीं है। हनी कैसे करते हैं ये, कैसे हनी बनाते हैं ये पता है आपको? ये तो वॉमिटिंग होती है शायद। आप ऐसी वॉमिटिंग जैसे कह सकते हैं, बिकॉज ये हनी को लेते हैं और उसको क्रॉप में लेके जाते हैं। क्रॉप में इसका आधा हाफ डाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, देन उसे बाहर निकालते हैं, देन कुछ अमाउंट तो लेके जाते हैं, कुछ अमाउंट ये लोग, देखिए जो हनी है ना, ये जो निकालते हैं फूड का कुछ पार्ट, ये इसलिए निकालते हैं अपने बुरे समय के लिए, कि भाई जब क्रॉप नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो हम अपने इससे काम चलाएंगे, समझे मेरी बात? है ना? तो कुछ यस पार्ट सर, जो है उसको वॉमिट आउट कर देते हैं, वॉमिटिंग जैसी मतलब बाहर निकाल देते हैं वो, और वो हनी की जगह, तो वो सेमी डाइजेस्टेड है, इसलिए उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है नॉर्मल उसकी कंपेरिजन में, तो वो सेमी डाइजेस्टेड है, समझे? हेलो। तो इनका रियल प्रोडक्ट नहीं है वो कहां से, वो तो नेक्टर ही है, नेक्टर ही डाइजेस्टेड है, सेमी डाइजेस्टेड है, समझे? है ना, सुगरी सिरप है ये। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, जैसे कि आपको पता है इसमें लेवलोज होगा, यानी फ्रक्टोज होगा, है ना, लेवलोज यानी एल फ्रक्टोज, और डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है, और सुक्रोज भी मिलेगा, यानी पानी यानी तो होगा इसके अलावा, है ना, वाटर वाटर तो मिनरल्स वो सब होंगे, विटामिन भी आपको मिलेगा, है ना?
B1 मिलता है विटामिन, इसमें B6 है, सी है, डी है, ये सब विटामिन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। और ये एक अच्छा क्या है, इट इज अ लैक्सिटिव, लैक्सिटिव समझते हो है? नहीं समझते? नो सर, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंटिंग मेडिसिन, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट, कॉन्स्टिपेशन तो समझते हो, वो भी बताऊं क्या? नो सर, समझते हैं। हाँ, पेट में वो मतलब पॉटी रह जाती है, निकलती नहीं है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। आपने पीकू देखा होगा, पीकू। मोशन नहीं होता, मोशन, मोशन से ही इमोशन है, समझे क्या? यस सर, इसके अलावा इट इज अ गुड एक्सपेक्टोरेंट ऑल्सो। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, समझते हो? एक्सपेक्टोरेंट गले को सही करने वाले, थ्रॉट को क्लियर करने वाले जो चीजें हैं। आपने कफ सिरप लिखा होगा, कफ सिरप में लिखा रहता है एक्सपेक्टोरेंट। हेलो, यस सर, तो कफ वगैरह में हेल्प करते हैं ना, कफ जो है, कफ वगैरह में हेल्प करते हैं ये, इसलिए आपने देखा होगा शहद वगैरह दी जाती है जब खांसी हो जाती है, उसमें अदरक मिला के लोग शहद देते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन में शहद का उपयोग होता है, बहुत सारी मेडिसिन में, तो बहुत ही एक स्वीटनिंग एजेंट तो है ही, लैक्सिटिव भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, ये है ना। अगर आप घाव पे लगा लोगे तो ये इन्फेक्शन को भी रोकेगा, समझे? तो पहला प्रोडक्ट तो आपने हनी देखा, क्योंकि तो इसका रियल प्रोडक्ट नहीं है, और दूसरा प्रोडक्ट है इसका वैक्स, है ना, बी वैक्स कहते हैं, पूरा बी वैक्स, ओके, बी वैक्स। तो बी जो है, वैक्स जो है, ये इनका कैसा प्रोडक्ट है? इट इज अ रियल प्रोडक्ट, इट इज अ रियल प्रोडक्ट, है ना, समझ गए? और किससे होता है ये? सीक्रेटेड बाय वैक्स ग्लैंड ऑफ वर्कर्स एब्डोमेन। वर्कर्स एब्डोमेन है ना, वर्कर्स के एब्डोमेन में वैक्स ग्लैंड होती है, वहां से सीक्रेट होता है, ठीक, क्लियर? ओके सर। यस, और क्या काम है इसका? तो इसका काम तो आप समझती ही हो, किसमें काम आता है ये, जब कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज करते हैं इसका, है ना। हेलो, यस सर, तो क्या किसमें यूज करते हैं इसका, इसका वीवैक्स का? कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर वगैरह बनाते हैं, कैंडल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये यस इसका सर, रियल प्रोडक्ट है ना, याद रखें। एक थर्ड प्रोडक्ट भी मिलता है यहां से, प्रोपोलिस। तो ये क्या है, इट्स अ ग्लू लाइक। हाँ, सर ये वैक्स बी के क्या काम आता है? अरे हाइव उसी का तो बना होता है बाबा, हाइव, हाँ सर, हाइव तो हाँ, उसी का बना होता है ना। यस सर, यस।
एक प्रोपोलिस क्या है, ग्लू है ना, ग्लू जैसा गमी, वो नहीं गॉन जो प्लांट से ग्लू नहीं निकलता, दिखा होगा आपने प्लांट से, सर तो जो वर्कर्स होते हैं वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, उनका हाइव कहीं के पे डैमेज हो गया है ना, कहीं क्रैक है, तो उस क्रैक को भरने में वो यूज करते हैं उसको, समझे? तो दैट इज प्रोपोलिस। नहीं समझे मेरी बात? क्या हुआ आपका? समझ गए सर। हाँ चलिए, तो यहां पे हमने कंप्लीट किया अब एपिकल्चर। ओके, अब हम बात करेंगे आपसे किसकी, सेरी कल्चर। आइए, सुना होगा सेरीकल्चर, व्हाट इज द सेरीकल्चर? पता है? नहीं पता? क्या करते हैं सेरीकल्चर में हम लोग? अरे बोला तो करो कुछ, हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है। दिस इज ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ओके। यस सर। समझ गए? इंडिया थर्ड रैंक पे है ना, मतलब इन द प्रोडक्शन ऑफ मलबरी सिल्क। सुना होगा आपने मलबरी सिल्क है? ओके। तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जो है इंडिया थर्ड रैंक करता है, किसमें? हेलो बच्चों, मलबरी सिल्क में मलबरी सिल्क है ना, मलबरी सिल्क में इंडिया थर्ड रैंक करता है। आई बात समझ में? और हम एकमात्र देश है जहां पर सभी प्रकार की जो है सिल्क का यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जैसे कि मलबरी है, टसर है, मूगा है, इरी सिल्क है, सबका कल्टीवेशन होता है इंडिया। हाई बात समझ में? तो कौन कौन से हैं सिल्क देखें जरा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपसे मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क। किससे ऑप्टेन किया जाता है ये? बॉम्बिक्स, मोराई। ओके, किससे मिलता है ये? बॉम्बिक्स मोराई, समझे? दूसरा है टसर सिल्क, ये किससे मिलता है? ये दो तीन से मिलता है, एंथीरिया पेपिया, एंथीरिया रॉयली। एंथीरिया रॉयली ओके। थर्ड जो है क्या है?
मूगा सिल्क। ओके एक किससे मिलता है? एंथीरिया असामा। एंथीरिया असामा फोर्थ है। रीसिल्क एक किससे मिलता है? अटाकस रिसनी। अटाकस रिसनी समझे? इसको टसर को कोसा सिल्क सुना कभी तुम लोगों ने? कोसा है? नो सर। इस कोसा सिल्क मम्मियों से पूछना अपनी, पता होगा उनको अगर पहनती होंगी साड़ियां तो, वरना अब तो लोग कम पहनते हैं। कोसा, कोसा साड़ियां बहुत फेमस है। हो गया? यस सर। यस सर। तो ये आपको फोर टाइप के कॉमन जो है सिल्क हैं, सभी इंडिया में कल्टीवेट होते हैं, है ना। मलबरी सिल्क तो होता ही है, टसर सिल्क भी होता है, मूगा सिल्क भी होता है, इरी सिल्क भी होता है ना। टसर सिल्क जो है, इस सिल्क को कोसा सिल्क भी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। सर इसमें कॉस्टली कौन सा होता है? कॉस्टली तो मलबरी सिल्क है सबसे ओके कॉस्टली। सर। चले यस सर। चले आगे। यस सर। यस आइए सर। अब देखें क्या है इसका। अब भाई बता दूं मैं आपको कैसे कैसे क्या होता है। देखो जैसे कि मेल फीमेल आफ्टर कॉपुलेशन है ना, तो यहाँ पर आफ्टर कॉपुलेशन मेल यहां पर भी डेथ हो जाती है ना, तो जो एग्स हैं ठीक है, तो एग्स हैं वो किसमें डेवलप होंगे? एग क्या बनाएगा? हाँ बोलो ना। अरे लार्वा बनाएगा ना। लार्वा क्या है? कैटर पिलर। आई बात समझ में? लार्वा क्या है? कैटर पिलर। इसी लार्वा को हम क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म। हेलो हेलो। यस सर। तो सुनिए जरा ध्यान से। तो एग तो एग्स है ना, जब मेल फीमेल जब है ना उनमें ब्रीड कॉपुलेशन होगा, देन मेल आफ्टर डेथ हो जाएगी, उसके बाद में एग ले करने के बाद फीमेल भी मर जाती है। फिर ये एग है ना, एग जो है फिर डेवलप होना स्टार्ट होगा। एग डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा? लार्वा, कैटरपिलर। समझ गए? और कैटरपिलर लार्वा जो है इट इज अ वोरेसियस फीडर। हम यहाँ पे मलबरी सिल्क को की बात कर रहे हैं ना, मलबरी सिल्क की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो बच्चों। yes, तो जो मेल yes, है, जो कैटरपिलर है, इट इज वोरेसियस फीडर। वोरेसियस मतलब खूब ज्यादा फीड करता है ये, है ना। तो है ना खूब, ये किस पे फीड करेगा? ये फीड्स ऑन मलबरी लीफ। ओके मलबरी लीव्स में फीड करेगा एंड स्टार्ट्स सीक्रेशन ऑफ क्या? सिल्क फ्रॉम आउटसाइड टू टू इनसाइड। नहीं समझे? ऐसे नहीं है, अंदर बाहर का छल्ला जो होगा पहले बनेगा और धीरे धीरे अपने करीब लाएगा। नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा ना? नो सर। देखो है ना, ये क्या सीक्रेट करेगा? ये वो जो थ्रेड सीक्रेट करेगा, तो ऐसे ऐसे घुमाएगा जो बाहर वाला चक्कर पहले और धीरे धीरे अपने सबसे ऊपर बाहर वाला, फिर अपने चारों ओर अपने अपने। yes, तो आउट है ना, आउटसाइड टू इनसाइड आएगा।
नहीं सर, नहीं समझे, ऐसे नहीं समझे आप। समझ गए सर, समझ गए। समझ गए सर। हाँ, तो से अगर आप क्वेश्चन, आपसे कोई कहेगा देखिए कि सिल्क कौन निकालता, तो आप क्या, कहा आंसर है आपका, क्या आंसर होगा? क्या सर? सिल्क कौन निकालता है, सिल्क कौन निकालता, कौन सी स्पीज सिल्क कैटरपिलर। निकालती है? लार्वा। इसलिए कैटरपिलर, सिल्क हाँ बॉम लार्वा, भी कहा कैटरपिलर। जाता है। सिल्क मॉथ तो इस बॉम है ना, इस इंसेक्ट को कहते हैं, लेकिन सिल्क बॉम किसको कहते हैं? सिल्क बॉम, सिल्क मॉथ नहीं, सिल्क बॉम किसे कहते हैं? कैटरपिलर। यस, कैटरपिलर को। ठीक है, अब ये कैटरपिलर जो है पूरा निकाल के क्या बना लेगा, अपने चारों ओर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? सेल्टर सिल्क का। अरे सेल्टर, कोकून। क्या बनाएगा? कोकून। नहीं समझे? हेलो, अरे भैया सुन रहे हैं आप लोग? यस सर, कोकून बनाएगा, और सुनिए, और अपने आप को अंदर ही अंदर ही किसमें चेंज हो जाएगा, फिर पीपा में। नहीं समझे? किसमें चेंज हो जाएगा? पीपा में। और अगर ये पीपा में चेंज हो गया तो क्या करेगा पीपा, है ना, पीपा इसको काट कर, है ना, मतलब पीपा जो है वो एडल्ट बनकर और इसको काट कर बाहर निकल आएगा। अगर ये कट गया तो इस थ्रेड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, किसी मतलब का नहीं है ये थ्रेड, समझे मेरी बात? यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पीपा बन के बाहर निकले, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे पहले इसको पीपा को क्या करना पड़ेगा, है ना, पीपा काट के बाहर निकल आए, ये जो पीपा है वो काट कर इस थ्रेड को बाहर निकल आए, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू किल। नहीं समझे? हम मारते हैं इसको। अब मार कैसे मारेंगे, कैसे? या तो हम उन्हें डिप करेंगे बॉयल वाटर में, या हॉट एयर स्टीम देंगे, समझे, या तो अगर बॉयल करके पानी में डाल देते हैं सारे कोकून्स को, सारे पीपा को, और पीपा अंदर ही मर जाता, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए सर। तो पीपा वाली स्टेज में ही हम इसे मार देंगे, क्योंकि पीपा से जो है एक पीपा फाइनली काट कर और एडल्ट बन के बाहर निकल आएगा, तो हमें इसी स्टेज में पीपा में ही मार देना है, कोकून के अंदर ही इसको हमें मार देना है। इस मारने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग इज अ किलिंग प्रोसेस, है ना, गर्म पानी में डालते हैं या फिर हॉट स्टीम देते हैं उसको, हॉट एयर देते हैं, समझ गए क्या? हेलो यस बच्चों, सर। कोई दिक्कत है आपको इसमें? नो सर। इतना लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। ओके, चलिए आइए आगे चलते हैं। तो हमने मार दिया इनको, अब मार दिया, अब हम क्या करेंगे, वो थ्रेड को ऑब्टेन करेंगे, है ना, ये जो थ्रेड है सिल्क है, इट इज मेड अप ऑफ, एक मिनट, आपने शायद 11th क्लास में कोचिंग पढ़ा था आपने, यस सर, तो यस सिल्क का सर, जो थ्रेड है, जो थ्रेड है सिल्क का, किसका बना होता है, इज मेड अप ऑफ क्या, फाइब्रोन प्रोटीन। ओके, दिस थ्रेड इज प्रोटेक्टेड बाय बाय गमी सब्सटेंस कॉल सेरिसिन, है ना, थ्रेड थ्रेड जो होता है बहुत चिपचिपा टाइप का होता है, तो थ्रेड के ऊपर क्या होता है, गमी सब्सटेंस लगा होता है, दैट इज कॉल्ड सेरिसिन, इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन। हेलो हेलो बेटा,
सर जो थ्रैट हमें मिलता है वो फाइब्रो मैन थ्रैट जो होता है वो फाइब्रोन प्रोटीन का बना होता है। इसके ऊपर गमी सब्सटेंस होता है जिसे हम सेरिसिन कहते हैं, जो इस थ्रेड को टूटने से प्रोटेक्ट करता है। समझे मेरी बात? हेलो। यस सर हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग इस गमी सब्सटेंस को निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिगमिंग, रिमूवल ऑफ गमी सब्सटेंस। आपने देखा होगा जब बर्थडे पर हम लोग क्या लगाते हैं, बैलून्स लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो बैलून में लगाते हैं तो पिंक कलर का वो होता है, देखिए वो होता है ना, उससे बांधते हैं फ्लावर्स को। या आपने देखा होगा गिफ्ट पे ऐसे रैप करके उसको, उसको अगर हम थ्रेड को ऐसे खींच देते हैं तो वो जी कितना सर, लस्ट्रस देखा हो जाता है, और कॉइल कर्ली हो जाता, कर्ल कर जाता है, लस्ट्रस चमक जाता है, शाइन शाइन से करने लगता है। नहीं समझे? जैसे खींच के थ्रेड के ऊपर से खींचते हैं तो पूरा गमी सब्सटेंस निकल जाता है। नाउ वी ऑब्टेन अ लस्ट्रस एंड शाइनी थ्रेड। नहीं समझे मेरी बात? सर, समझ गए, समझ गए देखा है। सर? समझे? यस ओके, सर। यस। तो रिमूवल ऑफ दैट गमी सब्सटेंस टू ऑब्टेन लस्ट्रस थ्रेड। आई बात समझ में? क्या कहेंगे हम इसे? डिगमिंग। क्या कहेंगे हम डिगमिंग। इसे? डिगमिंग। अरे कहाँ गया, एक मिनट। है ना, गमी सब्सटेंस टू ऑब्टेन लस्ट्रस थ्रेड। ओके, और फिर उसको लपेट लिया जाता है। लपेटने की प्रोसेस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीलिंग। क्या कहते हैं? रीलिंग, है ना। रील तो समझते हो ना, रील बनाते हैं ऐसे लपेटना। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस। तो ये हो गया आपका सिल्क, बस खत्म है ये तो, और तो कुछ है नहीं ज्यादा इसमें, है ना। कुछ कुछ बीमारियां लिखना है क्या? डिजीज लिख लो कुछ कुछ, जैसे आपको पता है। एक तो कभी अच्छी डिजीज है, कॉमन, अच्छा मतलब अच्छी नहीं है, कॉमन है, पेब्राइन। पेब्राइन सुना है? है, ये प्रोटोजोन से होती है। कॉजेस, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? प्रोटोजोन नोसीमा। क्या नाम है उस प्रोटोजोन का? नोसीमा। नहीं समझे? प्रोटोजोन का नाम क्या है? नो सी मा, नो सी मा। इट डजेंट मीन नो 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 सीमा, इट्स नो सीमा। समझे या नहीं समझे? समझ गए यस सर। सर। मस्कार्डिन, दिस इज द फंगल, फंगल डिजीज। फ्लैचरी। एक मिनट, टाइम हो गया क्या? यस सर। चलो बस ये लिख लो, फ्लैचरी, है ना। दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है। फ्लैचरी दोनों से होती है, ग्रासली फ्लैचरी है, वायरल है। तो इसमें याद रखें, फ्लैचरी कॉमन है, बैक्टीरियल भी है और वायरल भी है। पेब्राइन प्रोटोजोन से होती है, मस्कार्डिन फंगल है, फ्लैचरी बैक्टीरियल है, ग्रासली फ्लैचरी वायरल है। ओके, हो गया? यस सर, डन। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। कोई परेशानी है आपको?
नो सर। अपना एक बच आज मुझे लगता है अभी से वो बचा है फिशिकल्चर, है ना, फिशरी बचा हुआ है, और थोड़ा सा लैक के बारे में बताऊंगा, उसके से 30 मिनट्स लगेंगे इसमें और कम खत्म हो जाएगा, आई थिंक उसके बाद कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हेलो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट खत्म है अपना, एक एक क्लास मुझे और चाहिए होगी, उसमें अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। यस सर। ओके, देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।